शुरू के ये वीडियो देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ एल्विश यादव और ध्रुव राठी के बारे में। इस वीडियो में मैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि इस बंदे में और इस बंदे में 1% का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि एल्विश यादव 9th-10th में टॉप किए थे और ध्रुव राठी 9th-10th में फेल कर गए थे, जिसके बेसिस पर एल्विश यादव के फैंस अभी ये कह रहे हैं कि अब बताओ एजुकेशन किसके पास है, एल्विश यादव या ध्रुव राठी के पास। लेकिन क्या ये बात सच है कि ध्रुव राठी 9th-10th में फेल कर गए थे और एल्विश यादव सचमुच का पास किए थे? और सबसे बड़ा कोइंसिडेंट की बात ये है कि ये दोनों बंदा एक देश का तो है ही, इसके साथ साथ एक ही राज्य का भी है, हरियाणा। बहुत ही शॉर्ट में करके इन दोनों का इतिहास बताता हूँ। सबसे पहले एल्विश यादव जो 14 सितंबर 1997 को हरियाणा के गुरगांव में जन्म लेते हैं। अभी जो इनका एल्विश यादव नाम है वो पहले नहीं था, बल्कि एल्विश यादव का पहले सिद्धार्थ यादव नाम था। और एल्विश यादव बहुत ज्यादा फेमस तब हुए जब वो बिग बॉस OTT सेकेंड सीजन का विनर बने। ऊपर एल्विश यादव का 3 चैनल है, एक एल्विश यादव, एक एल्विश यादव व्लॉग्स और एक एल्विश यादव गेमिंग। तीनों चैनल के सब्सक्राइबर को एक जगह काउंट करे तो करीब 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स होता है। अब देखते हैं ध्रुव राठी के बारे में। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था, पर अभी के समय में ये जर्मनी में रहते हैं, क्योंकि ये वहीं के एक लड़की से शादी कर लिए हैं। उसके अलावा ये अपना हायर एजुकेशन जर्मनी से ही किए हैं। इनका अभी के समय में YouTube पर 8 चैनल है, जिसमें से 3 मेन चैनल है। सबसे पहले ध्रुव राठी, ध्रुव राठी व्लॉग्स और ध्रुव राठी शॉर्ट्स, ये 3 मेन चैनल है। लेकिन हाल ही में ये 5 चैनल भारत के अलग अलग लैंग्वेजेस में ओपन किए हैं। इनके मेन 3 चैनल के टोटल सब्सक्राइबर को एक जगह पर काउंट करें तो करीब 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स होता है। एल्विश यादव और ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी पिछले कई सालों से चल रही है। एल्विश यादव जुलाई 2021 में ध्रुव राठी के खिलाफ एक रोस्ट वीडियो बनाया था। नमस्कार दोस्तों, आज ध्रुव राठी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दूसरे की गोटी पकड़ने वाला यूट्यूबर हमको गोदी यूट्यूबर कह रहा है। दोस्तों, दूसरे को नाड़ा बुलाने वाले का आज नाड़ा ढीला करते हैं। दोस्तों ठीक है, दोस्तों रेडियो में है, स्वागत है आप सभी लोगों का ध्रुव राठी रोस्ट। फिर सबसे बड़ा एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी वाला कंट्रोवर्सी तब हुआ जब द केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुआ। उस समय ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कहा था कि जो 32,000 वाला फिगर है वो गलत है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें ISIS के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा गया है, जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस इसी बात को लेकर के ध्रुव राठी के खिलाफ कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए और उसमें से एक एल्विश यादव भी थे। धीरे धीरे इस कंट्रोवर्सी की चर्चा पूरे यूट्यूब पर होने लगी थी। इस समय तक मैं यूट्यूब पर काफी समय बिता रहा था। सारे वीडियोस का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी, द केरला स्टोरी ड्रामा। कितना गलत बोला है ध्रुव राठी भाई, नहीं भैया ध्रुव राठी भाई साहब, केरला को डिफेंड किया और इतनी बेकार है नानी जी, ये केरला स्टोरी है। नमस्कार दोस्तों, केरला स्टोरी वाला वीडियो कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से वायरल चला गया। 15 मिलियन व्यूज इस पर होने को हो रहे हैं और क्या हंगामा हुआ इसको लेकर, आप सबने देखा ही होगा। कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो कुछ कहा गया था फैक्ट्स के आधार पर कहा गया था। यहाँ मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी थी। मोटे मोटे तौर पर मैंने इस पूरे वीडियो में यही कहा था कि जो 32,000 का फिगर है ये गलत फिगर है, और सबूत के तौर पर होम मिनिस्ट्री का डेटा, NIA, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन, ढेरों न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आपको वीडियो में दिखाए थे। इन सब के बेसिस पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जो इंडियंस इंडिया छोड़कर ISIS ज्वाइन करने गए उनका नंबर 60-65 के आसपास है। इनमें से करीब 22 केरला से थे और इन 22 में से 6 औरतें थी। इन 6 औरतों में से 3 मुस्लिम थी और बाकी 3 कन्वर्टेड थी, जिनमें 2 क्रिश्चियंस थी और 1 कन्वर्टेड थी हिंदुइज्म से। ये सारी रिपोर्ट्स अभी भी अवेलेबल है, इन सब का लिंक मैं नीचे YouTube की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सके। अब एक बड़ी खबर ये है 18 मई की कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन फैक्ट्स को चेक किया और यही चीज कही कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कि अब जब इस फिल्म को सिनेमा पर दिखाया जाएगा, फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आएगा, उस डिस्क्लेमर पर लिखा होना चाहिए कि देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्जन इज 32,000 और एनी अदर फिगर। और साथ साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन। अब ये सारे फैक्ट्स देखकर, ये रिपोर्ट्स देखकर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखकर भी अगर मन नहीं भरता तो आइए आज के वीडियो में मैं इन नॉनसेंस वीडियोस का रिप्लाई भी दे देता हूँ। सबसे पहली बात की लोग कह रहे हैं कि एल्विश यादव के ज्यादा मार्क्स आए थे और ध्रुव राठी के कम
मार्क्स आए थे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये बात सच है, लेकिन क्या आप किसी को उसके नंबर के बेसिस पर अच्छा कहेंगे या उसके कैरेक्टर के बेसिस पर अच्छा कहेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि एलविश यादव के जो कट्टर फैन है वो इस वीडियो में गाली भर भर के दे, जो सच है वही सच है। जो बंदा औरतों को ये कहता हो कि औरतें तो सिर्फ घर का काम करने के लिए ही है, और जो बंदा धर्म के नाम पर बटने वाली बात करता हो, क्या वो सही हो सकता है? और दूसरा बंदा बोलता हो कि सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कोई और जेंडर हो, और धर्म के नाम पर बटने की बात नहीं करता हो, सबको एक साथ होकर चलने की बात करता हो, क्या इक्वल राइट्स की बात करने वाला सही है या अनइक्वल राइट्स की बात करने वाला सही है? इसका फैसला आप खुद करके कमेंट में बताइए। इसके अलावा वही है जो सभी यूट्यूबर्स कहते हैं, सब्सक्राइब।